क्लास टेंथ के लिए ऐसे सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल। गिव सजेशन टू प्रूव दिस स्टेटमेंट करेक्ट। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज। वेरिएशन सबसे पहले तो समझने की जरूरत है वेरिएशन क्या है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते बिकॉज इज अ टाइप ऑफ अ क्लोन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। क्वेश्चन पूछता है वेरिएशन स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल क्यों है वनस्पत किसी एक इंडिविजुअल के, यानी वेरिएशन जो है क्यों किसी स्पीसीज के लिए बहुत फायदेमंद है। एक बंदे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक इंडिविजुअल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस सजेशन को आप करेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा बताइए या करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए दीजिए। तो आंसर कहता है, आंसर क्या कहता है, आंसर को समझिए। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इन द इकोसिस्टम। इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रहते हैं। अगर ये इकोसिस्टम किसी भी कारण से बदल जाता है, दोबारा समझिए, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं एक इकोसिस्टम में, जो कि कई वेरियस रीजन से चेंज हो जाता है या चेंज होता है, दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो फिर उस पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। द लाइक टेम्परेचर चेंज, वाटर लेवल चेंज, इटीसी। दोबारा समझिए और बहुत ध्यान से समझिए। जो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं, वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, इकोसिस्टम में रहते हैं, और ये इकोसिस्टम, ये जो चेंज है, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो हैबिटेट है, ये चेंज कर सकता है, ये चेंज हो जाता है। और चेंज होने का कारण या चेंज किस कारण हो सकता है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, मान लीजिए वाटर लेवल चेंज हो गया। इस ड्रास्टिक चेंज के कारण जो पॉपुलेशन है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, या फिर उनके लिए रह जाएगी जो उसके लिए सुटेबल है। या तो ये पॉपुलेशन पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या फिर उनके लिए रह जाएगी जो कि उस कंडीशन के लिए सुटेबल है। इफ द सेम वेरिएशन आर प्रेजेंट इन ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, देयर विल बी चांस ऑफ देयर सर्वाइवल। मान लीजिए ये जो चेंज हुआ है, इसके हिसाब से फेवरेबल वेरिएशन कुछ इंडिविजुअल में है या कुछ इंडिविजुअल में हो चुके हैं। जैसे इसके लिए हम लोग एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स का जन्म हो चुका है जो टेम्परेचर के जो वेरिएशंस को सह सकते हैं या टेम्परेचर के वेरिएशन को सह जाते हैं। यानी कुछ ऐसे इंडिविजुअल में वेरिएशन आ गया है जो टेम्परेचर के वेरिएशन को सह सकते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो बाकी पॉपुलेशन तो वाइप आउट हो जाती है बैक्टीरिया की, पर वो कुछ इंडिविजुअल जिनमें वो वेरिएशन आया हुआ होता है कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वो बच जाते हैं। और ये जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल हैं, ये बाद में रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉपुलेशन को डेवलप करते हैं अपने तरीके की।
इसीलिए जो वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है स्पीसीज के लिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अपेक्षा। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द टू आउटकम ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दो आउटकम्स बताइए। तो पहला, अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, अपने फैमिली साइज को किस तरीके से लिमिट किया जा सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस होना। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये आधा आधा नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पूछा जा सकता है कि टू आउटकम बताइए गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो पहला आउटकम जो गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, इसमें है कि आप फैमिली का साइज अपना किस तरीके से लिमिट करेंगे, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। दूसरा, जो इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, इस चीज को देखना। दूसरा चीज वेरियस, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। दूसरा क्वेश्चन आता है, वेरियस टाइप ऑफ डिटेल कैन बी इन्फर्ड अबाउट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर फॉसिल्स, एक्सप्लेन। किस किस टाइप की डिटेल आप लोग ले सकते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म से, उनकी फॉसिल्स से, जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की फॉसिल्स हैं। ये एवोल्यूशन के चैप्टर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला, जो कुछ डिटेल आप लेते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म से, उनकी फॉसिल्स से। नंबर वन, फाइलोजेनी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फॉसिल्स। एक फाइलोजेनी बन सकती है, एक चेन बन सकती है जिसमें ये पता लग सके कि कौन सी चीज़ किससे ड्राइव हुई है या कौन सी चीज़ किससे उत्पन्न हुई है। तो एक फाइलोजेनी, जैसे एक आर्कियोपैट्रिक्स था, याद होगा, जिसमें ये बताया गया था कि इसके पंख होते हैं जो वर्ड की तरफ इंडिकेट करता है, और इसके बीक में जो इसकी चोंच होती है उसमें दांत होते हैं, और टेल होती है जो ये इंडिकेट करता है कि ये रेप्टाइल है। तो पहले तो फाइलोजेनी, और इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो वर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है। दूसरी चीज, हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड आउट फ्रॉम वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स। हमें कहाँ वो रहते थे और किस तरीके का उनका बिहेवियर है ये पता चल जाता है फॉसिल्स से, जो वेल प्रिजर्व्ड हमारी फॉसिल्स होते हैं उससे पता चल जाता है। सम फॉसिल इंडिकेट कनेक्शन लिंक बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये कनेक्टिव लिंक के बारे में बताती हैं कि कौन से फाइलम से कौन सा फाइलम डेवलप हुआ, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास डेवलप हुई। जैसे आर्कियोपैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि रेप्टाइल से जो डेवलप हुए हैं, ये इस चीज़ को ड्राइव किया जाता है या इस चीज़ को देखा जाता है इससे। तो तीन चीज़ें जो हम लोगों ने इससे देखी, नंबर वन, फाइलोजेनी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फॉसिल, फाइलोजेनी के बारे में जानकारी मिल सकती है। नंबर टू, हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड आउट, मतलब जो हैबिट है, हैबिट है जो बिहेवियर था इनका उसके बारे में पता चल जाता है। तीसरी चीज, कुछ फॉसिल्स इंडिकेट करते हैं कि वो दो ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं।
ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है. तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड अ मदर्स बॉडी. ये दो तरीके का क्वेश्चन है. यहाँ पर आप अगर यहाँ पे प्लेसेंटा का वर्क पूछा जाए तो भी आप इसको लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, कि मदर बॉडी के अंदर जो है किस तरीके से जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, या किस तरीके से एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है मदर्स बॉडी के अंदर. तो इसका आंसर देखिए, एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम मदर बॉम विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. मैंने बताया यहाँ पे आप प्लेसेंटा के भी आंसर दे सकते हैं. अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज अ प्लेसेंटा, तो इस आंसर को आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम मदर बॉम्स विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को मदर बॉम में या मदर के गर्भाशय में, जो माँ के गर्भाशय है उसमें जो नरिशमेंट मिलता है वो थ्रू द प्लेसेंटा मिलता है, या प्लेसेंटा के हेल्प से मिलता है, और एक कॉर्ड के थ्रू मिलता है, यानी एक कॉर्ड जो कि जोड़ता है इसको, उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. दोबारा समझिए, एम्ब्रियो को माँ के गर्भाशय में, मदर बॉम्ब में जो नरिशमेंट मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, और प्लेसेंटा से ये जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए. प्लेसेंटा में कई फिंगर लाइक बिलाइज होती हैं जो कि एक्सटेंड होती हैं फ्रॉम द कोरियन कवरिंग ऑफ द एम्ब्रियो. यानी प्लेसेंटा में कई फिंगर लाइक बिलाइज होती हैं जो कि एम्ब्रियो को कवर करने का काम करती हैं, या एम्ब्रियो को कवर करती हैं. ये जो बिलाई हैं ये मेंटेन करती हैं ब्लड साइनसिस को मदर के, यानी ये बिलाई जो मदर के ब्लड साइनसिस हैं, जो मदर से कांटेक्ट बन रहा है, इसको कंट्रोल करती हैं या इनको कनेक्ट करती हैं. दोबारा समझिए, ये जो बिलाइज हैं ये मदर के जो ब्लड साइनसेस हैं उनसे कांटेक्ट करती हैं, उनसे संपर्क करती हैं. दूसरा, सभी न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होते हैं मदर्स ब्लड से बिलाई के थ्रू एम्ब्रियो में. सभी न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होते हैं मदर्स ब्लड से बिलाई के थ्रू एम्ब्रियो में, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, या अम्बिलिकल कॉर्ड एक रास्ते का काम करती है. इस तरीके से ये जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को. यहाँ पर एक वर्ड आया डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न को क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स का उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, समझिए. यहाँ पे हम लोग यही एम्ब्रियो की बात करते हैं, यानी जो मदर का जो ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है, और जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है. तो न्यूट्रिएंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से, यानी मदर ब्लड से जो हमारा एम्ब्रियो है उसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, या उसकी तरफ मूव करेंगे. यह है डिफ्यूजन. यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बड़ा हल्का सा अंतर है. हमने कहा डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, जबकि ऑस्मोसिस के केस में, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. ऑस्मोसिस में वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. क्लियर? ओके.